डेली करंट अफेयर्स वन लाइनर में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर क्वेश्चंस को। तो आज जो है हमारा प्रमुख इम्पॉर्टेंट डे है चिल्ड्रन डे, जो कि मनाया जाता है 14 नवंबर को। और इस दिन जो है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन भी है, और इन्हें बच्चों से बहुत लगाव था, इसलिए इनके जन्मदिवस को जो है अपने भारत में चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एमवे इंडिया ने निम्न में से किस मशहूर अभिनेता को जो है अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है एमवे इंडिया के द्वारा। एमवे इंडिया एक कॉस्मेटिक कंपनी है, और इसके जो है ऑप्शंस हैं अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, सलमान खान और अनिल कपूर। जिसका सही आंसर है वो है अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन को जो है एमवे इंडिया ने अपना जो है नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, और ये प्रोडक्ट्स इनके जो होते हैं हेल्थ, ब्यूटी एंड होम से रिलेटेड, ये प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में इसके देखने को मिल सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो अब तक जो है विराट कोहली ही सबसे तेज थे, लेकिन इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है पाकिस्तान के इस खिलाड़ी ने। ऑप्शंस हैं ताहिन अफरीदी, आसिफ अली, बाबर आजम और शादाब खान। तो जिसका सही आंसर है वो है बाबर आजम, और ये हैं बाबर आजम जिन्होंने जो है 2500 रन कंप्लीट कर लिए हैं सबसे कम पारियों में, और इन्हें अब जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज रन बनाने का रिकॉर्ड मिल गया है सबसे कम पारियों में। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व निमोनिया दिवस वर्ल्ड निमोनिया डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसमें जो है पी साइलेंट है और इसको जो है निमोनिया पढ़ा जाता है, ठीक, वर्ल्ड निमोनिया डे। तो इसके ऑप्शंस हैं 10 जनवरी, 12 नवंबर और 15 मार्च और 18 अगस्त। जो इसका सही आंसर है वो है 12 नवंबर। तो वर्ल्ड निमोनिया डे जो है वो मनाया जाता है 12 नवंबर को। आगे चलते हैं। मोरिनारी वतनवे को कितने साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में इन्हें जो है फिर से चुना गया है। इन्हें कितने साल के लिए चुना गया है जो है मोरिनारी वतनवे। तो इनका जो है ऑप्शन है 3 साल, 4 साल, 5 साल और 7 साल। जिसका सही आंसर है वो 3 साल है, और इन्हें जो है फिर से चुन लिया गया है जिम्नास्टिक फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में, जो कि एक इंटरनेशनल संस्था है। चलिए आगे देखते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं ए अतुल करवाली, बी आर हरि कुमार, सी सील वर्धन, डी सत्य नारायण प्रधान। जिसका सही आंसर है वो है डी सत्य नारायण प्रधान। इन्हें जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और अगला प्रश्न है, भारत ने 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसके ऑप्शंस हैं ई अमृत पोर्टल, परिवहन पोर्टल, ई परिवहन पोर्टल, इनमें से कोई नहीं। इस समय इलेक्ट्रिक वाहनों को विशेष सहयोग प्रदान किया जाता है जा रहा है, और इनके आप अगर आप इनको जो है खरीदते हैं तो इसमें विशेष छूट भी दी जाती है, जिससे कि पर्यावरण काफ़ी साफ रहे। तो इसका जो सही ऑप्शन है ई अमृत पोर्टल। आप देख रहे हैं नेचुरल आपको अच्छा दिख रहा है इसमें। तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रिक वाहनों को जो है प्रमोट करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। जलवायु सहयोग के लिए किन दो देशों ने आपसी भू राजनीतिक प्रतिद्वंदता के बावजूद 10 नवंबर 2021 को परस्पर सहयोग के लिए संयुक्त बयान जारी किया है। ये दो देश जो कि आपस में बहुत बड़े प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन ये जो है जलवायु में सहयोग के लिए एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। ये ऑप्शन हैं अमेरिका और जापान, अमेरिका और इराक, अमेरिका और चीन और अमेरिका और
रूस। तो जिसका सही आंसर है अमेरिका और चीन, ये एक दूसरे के बहुत बड़े प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन जलवायु के सहयोग में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 22वां संस्करण गोवा में कब आयोजित होगा? तो ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है हमेशा गोवा में ही होता है, तो इस बार जो है 52वां संस्करण है। इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शंस 20 नवंबर, 15 नवंबर, 14 नवंबर और 13 नवंबर। जिसका सही आंसर है वो है 20 नवंबर। तो ये 52वां जो है संस्करण है और ये मनाया जाएगा 20 से 28 नवंबर 2021 को, COVID-19 को ध्यान देते हुए। इसमें विशेष प्रोटोकॉल के माध्यम से इस बार ये संस्करण गोवा में फिर मनाया जाए। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।